हेलो फ्रेंड्स, आ वीडियो में आपणे प्रतिविधेय पर आधारित विकलित जोईशुं, एना अलग अलग प्रकारना एमसीक्यू नी चर्चा करीशुं। पहला एमसीक्यू छे डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स एट एक्स इक्वल टू माइनस थ्री। चार ऑप्शन छे। आ एक सिंपल एमसीक्यू छे। सेक इनवर्स एक्स नुं डेरिवेटिव छे वन अपॉन मोड एक्स इनटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब एक्स की वेल्यू माइनस थ्री मूकी देवानी छे, बस माइनस थ्री नो मान थ्री और माइनस वन नो वर्ग नौ माइनस एक बराबर छे, वन बाय थ्री इनटू रूट एट। थ्री इनटू रूट एट एटले के रूट एट एटले टू रूट टू, टू आगळ आवे सिक्स रूट टू। डी बाय डी एक्स टेन इनवर्स वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स। टेन इनवर्स नो डेरिवेटिव वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। आपका एक्स है इनटू डी बाय डी एक्स बाकी रहू आनु भागाकार नियम थी कर दी वन प्लस एक्स नो स्क्वायर वन प्लस एक्स रहवा दीदा। डेरिवेटिव वन माइनस एक्स नो माइनस वन माइनस वन माइनस एक्स के लिए और डेरिवेटिव वन प्लस एक्स नो वन बराबर अन्य लसा ले लिए इले वन प्लस एक्स होल स्क्वायर लसा हो से ऊपर जैसे मैंने वन प्लस एक्स होल स्क्वायर वन माइनस एक्स होल स्क्वायर अन्य जैसे माइनस वन माइनस एक्स माइनस वन प्लस एक्स बराबर विस्तरण कर दिया वन प्लस एक्स होल स्क्वायर आ कैंसल था यार शू रहे हम बराबर अंश में छेद में निकली गया है यह रहे माइनस वन माइनस वन माइनस टू माइनस टू बराबर आ एक्स एक्स निकली गया है यह शू रहे हम विस्तरण करिए तो वन प्लस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर राइट प्लस टू एक्स माइनस टू एक्स निकली गया तो शू थे वन प्लस वन टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर आंसर शू थे माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर अंश ना छेद में फरी टू निकली गया तो आंसर माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर राइट। आ एक्साम्पल जो डी बाय डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स प्लस ए अपॉन वन माइनस एक्स इज इक्वल टू ब्लेक ज्या एक्स इंटू ए ग्रेटर देन वन। हम जो आप फॉर्म्यूला टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाय इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाय अपॉन वन माइनस एक्स वाय एक्स वाई लेस देन वन बराबर है। पछी बीजी फॉर्म्यूला आवी छे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई ज्या एक्स वाई ग्रेटर देन वन बराबर। एक फॉर्म्यूला माइनस वाली छे टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वाय अपॉन वन प्लस एक्स वाय। हम आगे एक्साम्पल तो याद रखे डी बाय डी एक्स टेन इनवर्स वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स तो आने आम लखाशे डी बाय डी एक्स टेन इनवर्स वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस वन इंटू एक्स तो आ पद मैं लीजिए आ टाइप तो फॉर्म्यूला शू थे टेन इनवर्स वन माइनस टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स वन ए पाई बाटो पाई बाय वन डेरिवेटिव जीरो और टेन इनवर्स एक्स नो डेरिवेटिव वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर आप आंसर माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर हतो आगळना एक्साम्पल बराबर। अहीं जो
कौन डेरिवेटिव पूछ रहा है, tan इनवर्स x प्लस से अपॉन 1 माइनस x से अंदर डेरिवेटिव पूछ रहा है। अंदर लिखियो छे ये x से ग्रेटर देन 1, यहां से x का ग्रेटर देन 1, y ना बदले a से, तो अपनी फार्मूला શું થાય, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y माइनस π, राइट। ये तो से d by dx tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स a माइनस π आना बोलिए। डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, tan इनवर्स की तो कांस्टेंट चले 0 π में 0, और आंसर 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर b, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल d by dx of tan inverse 4x upon 1 plus tan t1 x square, आने तो हमें डायरेक्ट डेरिवेटिव करी सको, तो पहले tan inverse हूँ और पची अब आगे क्या होनी, पर ये जो अनुमारी जरा कुछ 21 इतने 7x into 3x ले 21x square, એટલે 7 અને 3 અહીંયા 4 છે એટલે અહીં આવું લખાશે 7x - 3x તો 4x, 21 લખ્યા 7 * 3 અને 4 લખ્યા 7 - 3, રાઈટ। તો ફોર્મ્યુલા કેવી છે, tan ઇનવર્સ x - tan ઇનવર્સ y is equal to tan ઇનવર્સ x - y upon 1 plus x, આ ટાઈપ ઉપર બોલી ફોર્મ્યુલા થઈ ગયું, tan ઇનવર્સ 7x - tan ઇનવર્સ 3x બરાબર છે। હવે આનું ડેરિવેટિવ અલગ અલગ કરી દઈએ, આનું ડેરિવેટિવ 1 upon 1 plus x square 7x to 7 minus 1 upon 1 plus x square અને 3x to 3, फाइनल आंसर 7 अपॉन 1 प्लस 49x स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 9x स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल d by dx tan इनवर्स रूट 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x इज इक्वल टू ब्लैंक, जब पाई इज देन x इज देन 2 पाई, चार ऑप्शन आपेला छे। d by dx tan इनवर्स આ ફોર્મ્યુલા છે tan સ્ક્વેર x / 2 અને 1 માઇનસ cos x 2 sin સ્ક્વેર x / 2 અને 1 પ્લસ cos x એટલે 2 cos સ્ક્વેર x / 2 2 2 કેન્સલ અને tan સ્ક્વેર x / 2 એટલે મોડ tan x / 2 બરાબર, સ્ક્વેર અને રૂટ છે। હવે x / 2 કયા ચરણમાં છે, pi less than x less than 2 pi, तो pi by 2 less than x by 2 less than pi, तो x by 2 था बीजा चरण, बीजा चरण में 10 के बाद negative minus 10 x by 2, d by dx को 10 inverse minus 10 x by 2 ना पहले तो लिखिसु tan pi minus x by 2 બરાબર છે, tan pi minus theta minus tan theta। હવે જો આ એંગલ જે છે pi minus x by 2 એ ક્યાં હોવો જોઈએ, pi minus x by 2 તો minus pi by 2 plus pi by 2 માં હોવો જોઈએ બરાબર। ચેક કરી લઈએ pi minus x by 2 અહીં છે pi by 2 less than x by 2 less than pi, હું માઇનસ વડે ગુણાકાર કરું તો માઇનસ pi by 2 greater than થશે માઇનસ x by 2 greater than માઇનસ pi બરાબર, માઇનસ વડે ગુણાકાર કરવાથી cos ઉલટા બદલી જાય તો માઇનસ pi less than માઇનસ x by 2 less than માઇનસ pi by 2, હવે pi ને એડ કરીએ એટલે 0 less than pi માઇનસ x by 2 less than pi by 2 0 to pi by 2 માં છે, ફર્સ્ટ ક્વોડ્રન્ટ માં છે પહેલા ચલ, તો આ થશે d by dx
प्रतिविधय व्याख्या प्रमाण डी बाय डी एक्स कौन थी जैसे हम पाई माइनस एक्स बाय टू, तो पाई माइनस एक्स बाय टू डेरिवेटिव जीरो माइनस वन बाय टू, पाई तो कॉन्स्टंट है तो आंसर माइनस वन बाय डी राइट। हवे आज एक्जाम्पल में अंतरण बदलेलो हो जीरो लेस देन एक्स लेस देन पाई तो आप आंसर शू थे पहला बे स्टेप तो एना के रूट वन माइनस कॉस एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स टेन स्क्वेर एक्स बाय टू, टेन स्क्वेर एक्स बाय टू रूट मोर टेन एक्स बाय टू, पछी टेन एक्स बाय टू पहला चरण में टेन एक्स बाय टू धन पहलू चरण केम जीरो प्रथम चरण डेरिवेटिव वन बाय टू। नेक्स्ट एग्जांपल डी बाय डी एक्स साइन इनवर्स ऑफ कॉस टू एक्स इज इक्वल टू ब्लैंक जे एक्स क्या है जीरो थी पाई बाय टू, चार ऑप्शन है टू माइनस टू वन एंड फाइव। साइन इनवर्स नो डेरिवेटिव वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव बाकी रहे कॉस टू एक्स, कॉस टू एक्स डेरिवेटिव माइनस साइन टू एक्स इंटू टू रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर रूट साइन स्क्वायर टू एक्स, साइन स्क्वायर टू एक्स एनु रूट काढ़ी मॉड्यूलस साइन टू एक्स बराबर से। हवे जो मोड साइन टू एक्स एने मानक दूर करव पड़े, एक्स क्या है जीरो थी पाई बाय टू, तो टू एक्स क्या था जीरो थी पाई, जीरो थी पाई में साइन पॉजिटिव मोड साइन टू एक्स के बाद है तो साइन टू एक्स इंटू टू आंसर के लो माइनस ऑफ टू आ कैंसल। आ एक्जाम्पल जो आ फिफ्टीन है आ टू है आ एक्जाम्पल में आगे आप जो शू करता था वन प्लस फिफ्टीन एक्स के लखीशू फाइव एक्स इंटू थ्री एक्स टू एक्स में लखीशू फाइव एक्स माइनस थ्री एक्स એટલે આ ફોર્મ્યુલા થઈ ગઈ ટેન ઇન્વર્સ ફાઈવ એક્સ માઇનસ ટેન ઇન્વર્સ થ્રી એક્સ બરાબર છે, ટેન ઇન્વર્સ એક્સ માઇનસ વાય અપોન વન પ્લસ એક્સ વાય, ટેન ઇન્વર્સ એક્સ માઇનસ ટેન ઇન્વર્સ વાય વાનું અલગ અલગ ડેરિવેટિવ, ટેન ઇન્વર્સ ડેરિવેટિવ વન અપોન વન પ્લસ ફાઈવ એક્સ સ્ક્વેર ફાઈવ એક્સ ડેરિવેટિવ ફાઈવ માઇનસ वन अपॉन वन प्लस थ्री एक्स स्क्वायर और थ्री एक्स डेरिवेटिव आंसर फाइव अपॉन वन प्लस ट्वेंटी फाइव एक्स स्क्वायर माइनस थ्री अपॉन वन प्लस नाइन एक्स स्क्वायर राइट आंसर इज। नेक्स्ट एग्जांपल जो वाई इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ थ्री माइनस टू एक्स अपॉन टू प्लस थ्री एक्स एक्स ग्रेटर देन जीरो तो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू ब्लैंक બરાબર આપણને ઓપ્શન આપેલા છે, આમ તો આનું ડેરિવેટિવ ડાયરેક્ટ થઈ શકે ટેન ઇન્વર્સ નું ડેરિવેટિવ વન અપોન વન પ્લસ એક્સ સ્ક્વેર પ્રમાણે અને પછી આનું ડેરિવેટિવ ભાગાકાર કરી લઈએ, પણ હવે અહીંયા જુઓ આને મારે વન બનાવી દેવાનું એટલું યાદ રાખો, જયારે જયારે પણ અહીંયા ટેન ઇન્વર્સ આવે તો આ જે છે પદ એને એક લાવવાનું છે કારણ કે આપણી પાસે આવી ફોર્મ્યુલા છે
बराबर અને 1 લા 1 લા માટે માટે અહીંથી 2 કોમન તો અંશમાંથી પણ 2 કોમન એટલે 2 કોમન અને 2 કોમન એટલે 2 કેન્સલ એટલે આ ઉપર જશે બરાબર અંશ અને છેદમાંથી 2 કોમન એટલે અહીંયા 3 ના બદલે 3/2 થઈ ગયા અહીંયા 2x ના બદલે x થઈ ગયા અહીંયા 2 ના બદલે 1 થઈ ગયા 3 ના બદલે 3/2 2x બરાબર आ फॉर्म्यूला ये अप्लाई करिए tan इनवर्स 3/2 माइनस tan इनवर्स x और डिवाइड बाय dx होगी आ तो कांस्टेंट है अब डेरिवेटिव 0 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर आंसर सी नेक्स्ट एग्जांपल जो sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y इक्वल टू पाई बाय 2 तो dy बाय dx इक्वल टू ब्लैंक आ चार ऑप्शन sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y इक्वल टू पाई बाय 2 અને આ લખાશે sin इनवर्स x એટલે cos इनवर्स √1 - x² प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाय 2 अब आपली पासे एक फॉर्मूला छे साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2 आ पाई बाय 2 ક્યારે થાય આ બંને ખૂણા સરખા હોય તો साइन इनवर्स અને કોસ ઇનવર્સ નો સરવાળો पाई बाय 2 ક્યારે થાય આ બંને ખૂણા સરખા હોય તો એટલે કે y इक्वल टू √1 - x² डेरिवेटिव करी बराबर तो वर्क करीने करवो तो वर्क करीने करिए पहला वर्क कर लियो પછી શું થશે y² નું ડેરિવેટિવ 2y dy/dx is equal to 1 - x² - 2x बराबर तो dy by dx मड़ी गया minus x upon y 2 निकली गया minus x upon y right next example d by dx of tan inverse a plus bx upon b minus ax is equal to blank जहाँ a b अने x greater than 0 छे आ चार ऑप्शन छे जो tan inverse not example आ तो आनो डायरेक्ट डेरिवेटिव કરી શકાય tan ઇન્વર્સ નું ડેરિવેટિવ 1 / 1 + x² પ્રમાણે અમે તમને કહ્યું કે અહીં b છે b ના પછી આપણે 1 લાવવાનું તો શું કરવું પડે અંશમાંથી b કોમન અને છેદમાંથી પણ b કોમન અંશમાંથી b કોમન લઈએ તો આ a / b થાય + x અને b કોમન છેદમાંથી એટલે 1 - a / b * x d by dx of tan inverse b cancel a by b plus x upon 1 minus a by b into x तो आपनी फॉर्मूला थे गए tan inverse x plus y upon 1 minus x into y सूत्र से tan inverse a by b plus tan inverse x फॉर्मूला साची छे के खोटी ये चेक करनी पड़े कारण के आपके पास एक फॉर्मूला छे के tan inverse x plus tan inverse y तो tan inverse x plus y upon 1 minus xy क्या रहे xy less than 1 होए तो अन्य बीजी फॉर्मूला आ रही है tan inverse x plus tan inverse y equal to pi plus tan inverse x plus y upon 1 minus xy जरे xy greater than 1 होए तो इसलिए आपने चेक करना पड़े कि आप अन्य नो गुणाकार क्यों हो चुके a upon b into x की वजह से greater than 1 છે કે પછી less than 1 છે તો અહીંયા તો ખાલી એટલું જ આપ્યું છે કે a b x greater than 0 છે એટલે અહીંયાથી હવે કોઈ ખબર ના પડે કે greater than 1 છે કે less than 1 છે બરાબર તો આપણે બંનેને સમજીને ચાલીએ greater than 1 હોય તો શું થાય less than 1 હોય તો શું થાય જો greater than 1 હોય તો આ ફોર્મ્યુલા શું થશે આ π ના મળશે એટલે -π થશે
बराबर नहीं तो आ फॉर्म्युला શું થશે tan ઇન્વર્સ x + y = 1 - xy જ્યારે xy = 0 મને તો આ પદ થશે એટલે આ બંને પદ બંનેમાં કોમન છે તો ખાલી અહીંયા માઈનસ પાઈ આવે કે પછી પ્લસ 0 આવે બેમાંથી એક એટલે આપણે એવું સમજીને ચાલીએ કે અહીં કાં તો પાઈ છે અથવા તો 0 છે હું માની લઉં કે k છે પાઈ કે 0 બેમાંથી એક બરાબર માઈનસ પાઈ માઈનસ પાઈ કે 0 બેમાંથી એક હવે ડેરિવેટિવ કરીશું તો આ તો 0 થશે અને માઈનસ પાઈ છે તો ડેરિવેટિવ 0 અને 0 છે તો પણ ડેરિવેટિવ 0 tan ઇન્વર્સ x નું ડેરિવેટિવ 1 / 1 + x² રાઈટ નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ y = tan ઇન્વર્સ a cos x - b sin x / b cos x + a sin x તો dy/dx = blank બરાબર एज मेथड अहियां 1 लावा 1 क्या b cos x कॉमन लिए तो बराबर अथवा तो b cos x वडे कंस અને છેદ ને ભાગતા બંને જાય ચલો અહીંથી b cos x कॉमन લઈએ અથવા તો b cos x વડે કંસ અને છેદ ને ભાગતા બંને વાત એક જ છે बराबर છે આ રીતે શું થશે હવે tan ઇન્વર્સ a / b cos x નીકળી ગયા માઈનસ b નીકળી ગયા એટલે tan x / 1 + a / b અને આ થયા tan x બરાબર y = tan ઇન્વર્સ x - y one plus x into y so tan inverse x minus tan inverse y tan inverse a / b minus tan inverse tan x right so y equal to tan inverse a / b minus x tan inverse of tan x x dy / dx equal to derivative 0 and x to derivative 1 answer minus 1 next example tan inverse x નું cot inverse x પ્રત્યે વિકલન ખાલી જગ્યા છે શું કરીશું અને u ધારીશું અને v ધારીશું u નો v સાપેક્ષ વિકલન શોધવું છે du / dv એટલે du / dx / dv / dx શોધવા પડે અહીંથી du / dx મળે 1 / 1 + x² અહીંથી dv / dx મળે - 1 / 1 + x² અહીંયા વેલ્યુ મૂકી દઈએ તો આની વેલ્યુ થઈ 1 / 1 + x² નાની વેલ્યુ થઈ - 1 / 1 + x² આન્સર - આ એક્ઝામ્પલ જો y = sin inverse x + sin inverse root 1 - x તો dy / dx = blank ચાર ઓપ્શન છે y = sin inverse x + sin inverse root 1 - x² sin inverse root 1 - x² એટલે cos inverse x બરાબર અને sin inverse x + cos inverse x એટલે કે pi / 2 pi / 2 નું ડેરિવેટિવ તો 0 થાય આન્સર 0